हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लेवल वन की क्वेश्चन थर्टी वन टू फोर्टी डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन थर्टी वन थर्टी वन में क्या पूछा गया वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर एन ओ टू एंड एन टू ओ फोर इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू ओ फोर अपने को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया गया है इससे अपन मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो वेपर डेंसिटी होता है वो क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स तो हमारे पास मोलर मास मिक्सचर का क्या होगा टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फिफ्टी फाइव पॉइंट टू ठीक है यहाँ पर अपन देखें कि एन ओ टू और एन टू ओ फोर हमारे पास मिक्सचर है इस मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन अपने पास क्या होगा वो अपने को ध्यान पता करना है तो लेट टोटल मोल हमारे पास क्या हो जाए टोटल मोल्स हमारे पास वन हो जाए मिक्सचर के तो यहाँ पर एन टू फोर के यदि मोल फ्रिक्शन क्या हो एक्स तो एन ओ टू का कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स ठीक है ये हमारा क्या है मोल फ्रिक्शन अब यदि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर अपने पास मोलर मास दिया गया मिक्सचर का तो एवरेज मोलर मास का एक्सप्रेशन अपन लिखें तो हमारे पास क्या होता है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू यहाँ पर एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन और एम वन और एम टू हमारे पास क्या होंगे मोलर मास ऑफ एन ओ टू एंड मोलर मास ऑफ एन टू ओ फोर तो हम अपन एम वन इक्वल टू लिखते हैं मोलर मास ऑफ एन ओ टू नाइट्रोजन का फोर्टीन है ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू टू तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्टीन प्लस थर्टी टू इक्वल टू फोर्टी सिक्स इसी तरह से एम टू अपन निकालें तो हमारे पास मोलर मास ऑफ एन टू ओ फोर हमारे पास कितना हो जाएगा फोर्टीन इंटू टू प्लस सिक्सटीन इंटू फोर इससे अपने पास एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी फोर हमारे पास नाइन्टी टू हो जाएगा तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन एन टू फोर का पन्ना एक्स मान है तो एक्स यदि एम वन अपने पास लिखे तो फोर्टी सिक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस अपने पास नाइन्टी टू अपने पास क्या हो जाएगा सॉरी ये एक्सप्रेशन डिफरेंट तरह से लिखा जाएगा यहां पर NO2 का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स है तो यहां पर 46 सिक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस एम टू एम एन टू ओ फोर है तो नाइन्टी टू इन एक्स और एवरेज मोलर मास कितना दिया है फिफ्टी फाइव पॉइंट टू जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो पॉइंट टू तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी टू थर्टी टू में क्या पूछा गया है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 600 हंड्रेड कैलवीन इज टू ग्राम पर लीटर कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस गैस विद रेस्पेक्ट टू नियोन गैस एट सेम कंडीशन तो हमारे पास डेंसिटी अपन सबसे पहले पी वी इज्कवल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें एन नंबर ऑफ मोल्स है जिसे आप मास डिवाइडेड बाई मोलर मास से डिनोट कर सकते हैं आर एंड टी तो यहां पर प्रेशर को आप लिखें तो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम वी को अपन डिनोमीटर में ले आएंगे वन अपॉन एम आर टी ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा डेंसिटी का तो इस एक्सप्रेशन से अपन डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी एम अपॉन आर टी जहाँ पर पी प्रेशर है एम मोलर मास है आर गैस कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर तो यहाँ पर अपन वैल्यूज पुट करें कि हमारे पास टू एटमोसफेरिक प्रेशर पे मोलर मास यहाँ पर गिवन नहीं है आर की वैल्यू कितनी दी गई है वन बाई ट्वेल्व और टेम्परेचर कितना दिया गया सिक्स हंड्रेड कैलविन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे टू ग्राम पर लीटर आ रही है तो इसको फर्दर कैलकुलेट करें अपन तो हमारे पास फिफ्टी ये हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मोलर मास जो आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस वो आ जाएगा फिफ्टी ठीक है अब अपने पास क्या करना है रिलेटिव डेंसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी में हमारे पास क्या होगा मोलर मास ऑफ गैस और जिसके रेस् रेफरेंस में अपन कर रहे हैं वो क्या है मोलर मास ऑफ नियोन गैस ऐसा क्यों क्योंकि हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ नियन गैस और अपन ने यहाँ पर अभी देखा है कि डेंसिटी जो है हमारे पास मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो रेशियो डेंसिटी का होगा वही रेशियो क्या होगा मोलर मास का होगा मोलर मास ऑफ गैस अपने पास गिवन है फिफ्टी नियोन का मोलर मास कितना होगा ट्वेंटी तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा टू पॉइंट फाइव तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी थ्री एवरेज एटोमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री वन एटोमिक मास यूनिट दिस मैग्नीशियम इज कम्पोज ऑफ सेवेंटी नाइन मोल परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी फोर मैगनीशियम एंड रिमेनिंग ट्वेंटी वन मोल परसेंट ऑफ ट्वेंटी मैग्नीशियम एंड ट्वेंटी सिक्स मैगनीशियम अपने को मोल परसेंटेज किसका निकालना है ट्वेंटी सिक्स मैग्नीशियम का निकालना है तो हमारे पास क्या दिया गया यदि अपन देखें मैग्नीशियम ट्वेंटी फोर अपने पास है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्वेंटी फाइव मैग्नीशियम प्लस ट्वेंटी सिक्स है अब यहाँ पर ट्वेंटी फोर मैग्नीशियम जो है वो कितना अमाउंट दिया गया मोल परसेंटेज यदि अपन देखें यहाँ पर मोल परसेंटेज हमारे पास सेवेंटी नाइन परसेंट होगा रिमेनिंग ट्वेंटी वन परसेंट जो होगा ट्वेंटी फाइव मैग्नीशियम एंड ट्वेंटी सिक्स मैग्नीशियम हो जाएगा तो टोटल है तो लेट्स सी हमने पास मोल परसेंटेज ट्वेंटी फाइव मैग्नीशियम का क्या हो जाए एक्स और इसका कितना बच जाएगा रिमेनिंग ट्वेंटी वन माइनस एक्स तो अपने को क्या निकालना था ट्वेंटी सिक्स मैग्नीशियम का निकालना था तो इसी को अपन एक्स रखते हैं चलिए जिससे अपनी कैलकुलेशन में ईजी रहेगा बाद में ठीक है तो अपन किसी को भी रख सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास यहाँ पे x मोल परसेंट इसका है और 21 वन माइनस एक्स मोल इसका है ठीक है अब अपने को यहाँ पर एवरेज मोलिकुलर मास दिया गया या एवरेज एटॉमिक मास आप बोल सकते हैं तो हमारे पास ये जो मास होगा मोलर मास एवरेज ये क्या होगा समेशन ओवर मोल परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिक वेट या जो भी आइसोटोप हमारे पास है उसका वेट क्या होगा इन सबका सब्सिट्यूंट्स का अपन एडिशन कर देंगे समिशन का साइन इसलिए यूज़ किया गया यहाँ पर तो हमारे पास मोल परसेंटेज क्या है इनिशियली सेवेंटी नाइन परसेंट तो सेवेंटी नाइन बाई हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर प्लस यहाँ पर एक्स परसेंट अपन ने देखा मोल परसेंट है मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी वन माइनस एक्स बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है जिसकी वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 24.31। जब ये इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 10%। परसेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर सॉल्व करने में पता लगा कि 26 मैग्नीशियम का कितना मोल परसेंट है 10% परसेंट है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 इंडियम जिसका एटॉमिक वेट अपने को 114.82 दिया गया इसके दो नेचुरल आइसोटोप्स है जिसमें से एक आइसोटोप का अबंडेंस क्या है 95.72 और उसका वेट क्या है वन इसके अलावा सेकेंड आइसोटोप है उसका परसेंटेज अबंडेंस अपन 100 में से माइनस कर देंगे उसका एटॉमिक वेट अपने को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सबसे पहले देखिए कि जो इंडियम है उसका एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट हमारे पास क्या होगा इसका इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा वन ठीक है अब अपने पास परसेंटेज अबंडेंस देखें अपन दो आइसोटॉप्स दिए गए उनमें परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी तो हमारे पास फर्स्ट आइसोटॉप जो है उसकी परसेंटेज अबंडेंस है नाइन्टी फाइव पॉइंट सेवन टू ठीक है और सेकेंड आइसोटॉप जो होगा उसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या हो जाएगी हंड्रेड में से आप माइनस कर देंगे नाइन्टी फाइव पॉइंट सेवन टू को तो ये हमारे पास क्या जाएगा फोर पॉइंट टू एट परसेंट अब अपने पास परसेंटेज साथ साथ पर्टिकुलर आइसोटोप का वेट क्या दिया गया यहां पर अपने पास दिया गया वन वन फोर पॉइंट नाइन जीरो फोर वन और इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ नहीं है तो लेट इसका एटॉमिक वेट एम है ठीक है अब अपन यदि यहां पर निकालें कि एवरेज एटॉमिक वेट अपने पास जो होगा वो क्या हो जाएगा यहां पर परसेंटेज अपी फाइव पॉइंट सेवन टू परसेंट मल्टीप्लाइड बाई वन वन फोर पॉइंट नाइन जीरो फोर वन प्लस अपने पास फोर पॉइंट टू एट परसेंट इसका परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई एटोमिक वेट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा वन वन फोर पॉइंट एट टू जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे एम की वैल्यू तो हमारे पास एम की वैल्यू आएगी अराउंड वन पॉइंट वन 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 टू पॉइंट नाइन फोर जो कि किसका होगा अदर आइसोटोप का एटॉमिक वेट होगा जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है यहां पर अपने को ऑप्शन ए में दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फाइव कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर विच कंसिस्ट थ्री पॉइंट जीरो मोलिकल्स ऑफ एन टू एंड थर्टी टू ग्राम ऑफ ओ टू गैस एट थ्री ए टी एम प्रेशर एंड एट सिक्सटी कैलविन टेम्परेचर तो अपन क्या करते हैं इस गैसियस मिक्सचर में हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इनके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखें तो मोल्स ऑफ एन टू मोल्स ऑफ एन टू के लिए हमारे पास यहाँ पे मोलिकुल्स दिए गए हैं थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई आ नंबर कर देंगे जिससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू फाइव आ जाएगी क्योंकि इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा और ये टेन टू दावर ट्वेंटी फोर से टेन यहाँ पे आएगा तो डिवाइड करेंगे तो फाइव आ जाएगा मोल्स ऑफ एन टू हमारे पास आ गया इसी तरह से अपन यहां पर देखें तो मोल्स ऑफ ओ टू मोल्स ऑफ ओ टू कैसे निकलेगा कि हमारे पास यहाँ पर थर्टी टू ग्राम ओ टू दिया गया इस थर्टी टू ग्राम में अपन क्या करेंगे मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोलिकुलर वेट ओ टू का कितना है थर्टी टू ग्राम तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर वन मोल हो जाएगा तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपने को पता लग गए अब इसके बाद अपने को क्या पता करना है यहाँ पर गैसेस मिक्सचर की डेंसिटी पता करनी है तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मिक्सचर में अपने पास वो क्या होता है अपने पास पी एम अपॉन आर टी जहाँ पर मोलर मास जो होगा वो गैसिस मिक्सचर का एवरेज मोलिकुलर मास होगा आर टी प्रेशर यहाँ पर दिया गया है टेम्परेचर भी दिया गया है बट अपने को एवरेज मोलर मास निकालना है एवरेज मोलर मास अपन कैसे निकालेंगे एवरेज मोलर मास के लिए अपने को क्या चाहिए टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ठीक है तो टोटल मोल्स अपने पास आ जाएंगे इसके बाद अपन क्या करेंगे टोटल मास निकालने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइव मोल है एन टू के एन टू का एट मोलिकुलर वेट क्या होगा ट्वेंटी एट इसी तरह से वन मोल है ऑक्सीजन का एन टू थर्टी टू डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे फाइव प्लस वन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 172 सेवेंटी टू बाई सिक्स ठीक है जिसे फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास 28.67 आ जाएगा जो कि एवरेज मोलर मास है अब अपने पास जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी मिक्सचर की डेंसिटी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास प्रेशर क्या दिया हुआ है यहां पर प्रेशर हमारे पास दिया गया है थ्री एटी एटमोस्फेरिक प्रेशर तो थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स सेवन से डिवाइडेड बाई आर टी आर की वैल्यू यहाँ पर वन बाई ट्वेल्व दी गई है और टेम्परेचर हमारे पास क्या दिया हुआ है एट सिक्सटी कैलविन जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन पॉइंट टू ग्राम पर लीटर ये मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी जो कि कौन से ऑप्शन में दी गई है ऑप्शन बी में दी गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में बोला गया ए मिक्सचर ऑफ ओ टू एंड गैस वाई जिसका मोलिकुलर वेट एट्टी है इन द मोल रेशियो एट टू बी हैज़ ए मीन मोलिकुलर वेट मीन मोलिकुलर वेट से क्या मतलब है कि एवरेज मोलिकुलर वेट इसका क्या हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा तो एवरेज मोलिकुलर वेट में आप देखें तो फॉर्मूला क्या होगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू जहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन और एम वन उस पर्टिकुलर गैस का मोलर मास है तो अपन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन देखेंगे क्योंकि मोल रेशियो का जो रेशियो ए इस टू बी है वही सेम रेशियो क्या होगा मोल फ्रैक्शन का भी होगा ठीक है तो हमारे पास देखें जैसे आप यदि देखना चाहें कि मोल रेशियो हमारे पास एस टू बी है ठीक है अब यदि हमारे पास क्या होता मोल फ्रैक्शन होता मोल फ्रैक्शन में क्या है कि हमारे पास लेट्स ए मोल्स ऑक्सीजन के बी मोल्स वाई के तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आप देखेंगे तो ए अपॉन ए प्लस बी यानी इनिशियल उस सब्सिटेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बी अपॉन ए प्लस बी तो इस केस में भी हमारे पास क्या होता A टू बी रेशियो होता तो अपने पास मोल रेशियो और मोल फ्रैक्शन रेशियो सेम चीज होगी ठीक है तो हमारे पास क्या देख लेते हैं यहां पर अपन मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो उसके बेसिस पे अपन वैल्यूज पुट करेंगे और देख लेंगे तो हमारे पास लेट अपन ये मान लेते हैं कि हमारे पास ओ टू का मोल फ्रैक्शन इज़ एक्स इसका मोल फ्रैक्शन एक्स हो गया तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स टोटल में से माइनस कर दिया अब अपन एवरेज मोलर मास का फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास एम वन एक्स वन एम वन एक्स वन में हमारे पास मोल फ्रैक्शन एक्स तो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है ओ टू का उसका मोलर मास क्या होगा थर्टी टू प्लस यहाँ पर वन माइनस एक्स ये मोल फ्रैक्शन दिया गया मोलर मास कितना है एट्टी तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर एवरेज मास कितना दिया है फोर्टी तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स की वैल्यू आएगी फाइव पॉइंट फाइव बाई सिक्स ठीक है फाइव बाई सिक्स आ गई है तो हमारे पास रेशियो क्या होगा ए इस टू बी हमारे पास जो दिया गया है वो है फाइव बाई सिक्स इस टू वन माइनस एक्स क्योंकि हमारे पास वन माइनस एक्स को कैलकुलेट करेंगे वन माइनस फाइव बाई सिक्स तो यह आ जाएगा वन बाई सिक्स तो ये मोल रेशियो है अब इसी मोल रेशियो को क्या कर रहे हैं यहां पर रिवर्स कर रहे हैं चेंज कर दे रहे कि हमारे पास बी एस टू ए कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स किसका हो जाएगा ये हो जाएगा एन टू का और ये सॉरी ये दोनों तो अभी इनिशियली किस किसके दिए हुए फाइव बाई सिक्स हमारे पास मोल फ्रैक्शन ओ टू का है तो ये ओ टू का है और ये एन टू का है बट यदि इसको बी इस टू ए कर दे जो अपने को क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला गया है तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा ये वन बाई सिक्स एस टू फाइव बाई स हो जाएगा एन टू का क्या हो जाएगा फाइव बाई लें तो न्यू एवरेज मोलर मास में हमारे पास मोल फ्रैक्शन वन बाई सिक्स किसका अपने पास ओ टू का तो थर्टी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस फाइव बाई सिक्स नाइट्रोजन का है इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 72 तो ये हमारा न्यू एवरेज मोलर मास होगा जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन डी से मैच करेगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी सेवन इफ वाटर सैंपल आर टेकन फ्रॉम सी रिवर्स और लेक दे विल बी फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ वन इज टू एट इंडिकेट्स द लॉ ऑफ प्रपोर्शन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन लॉ डेफिनेट प्रपोर्शन कंपाउंड रेशियो ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट इज टेकन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रियक्शन कराकर आप एच टू का फॉर्मेशन करें या मिथेन का कंबेशन कराकर एच टू का फॉर्मेशन करे दोनों ही केस में एक एच टू मोलिक्यूल में हमारे पास यदि अपन वन मोल ले लेते ले हैं या वन मोलिक्यूल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा टू मोल हाइड्रोजन और वन मोल ऑक्सीजन होगा टू मोल हाइड्रोजन का वेट टू ग्राम होगा वन मोल ऑक्सीजन का सिक्सटीन ग्राम होगा जो रेशियो आप निकालेंगे तो वन ये रेशियो हमेशा मेनटेन रहेगा तो वही चीज अपने को क्वेश्चन में पूछी गई थी तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास 38 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म एच टू वो टू एंड एच टू ओ ओ कंटेनिंग फाइव पॉइंट नाइन थ्री परसेंट एंड एलेवन पॉइंट टू परसेंट हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली डेटा इलेस्ट्रीट्स तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो कंपाउंड है ये दो डिफरेंट कंपाउंडस का फॉर्मेशन कर रहे हैं एच टू ओ टू और एच टू ओ ठीक है इसमें अपन मास देखें कि हमारे पास वन मोल वन मोल भी ले, ले लेते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना मास होगा यहाँ पर हाइड्रोजन का मास होगा टू ग्राम और यहां पर भी हाइड्रोजन का टू ग्राम और फिर यहां पर ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन का रेशियो इंटीजन मल्टीपल है कि यहां पर टू मोल ऑक्सीजन है टू इंटू सिक्सटीन होगा और यहां पर हमारे पास क्या होगा ओनली सिक्सटीन होगा तो यहां पर जो रेस्ट सेकंड एलिमेंट है उसके मास का जो रेशियो होगा वो एक इंटीजर रेशियो होगा दैट मीन्स ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है इफ़ टू एलिमेंट्स रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स डिफरेंट मल्टीपल कंपाउंड्स देन फॉर फिक्सड मास ऑफ द वन एलिमेंट द रेशियो ऑफ मास ऑफ अदर एलिमेंट्स इन दिस कंपाउंड इज ऑलवेज इंटीजर रेशियो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एच टू टू और एच टू था हाइड्रोजन का मास यहाँ पर अपन ने फिक्स कर दिया था बट ऑक्सीजन के मास अपन देखें तो यहाँ पर थर्टी टू ग्राम था और यहाँ पर सिक्सटीन ग्राम था जिसका रेशियो अपन ने निकाला तो इंटीजर क्या आ गया टू आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन है कि हमारे पास इस डेटा का क्या मीनिंग है कि 5.93 परसेंट एंड 11.2 परसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो H2O2 है इस H2O2 में यदि मैं मास परसेंटेज निकालू हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज क्या होगा 2 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल मास एच का टोटल मास क्या होगा हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास यानी टू प्लस थर्टी टू तो इसके बेसिस पे अपन फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा टू बाई थर्टी फोर इन हंड्रेड जो कि नियरली इक्वल होगा किसके फाइव पॉइंट नाइन थ्री परसेंट के तो ये हमारे पास क्या दिया गया फाइव पॉइंट नाइन थ्री परसेंट इसका मास परसेंटेज दिया गया दैट मीन्स ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि हमारे पास जो एच टू ओ बन रहा है एच टू ओ टू बन रहा है वो वन मोल अपने पास मिल रहा है सिमिलरली अपन एच टू ओ के केस के में निकालेंगे तब अपने पास यहां पर हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा यहां पर नियरली 11.2 परसेंट हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ठीक है और यहां पर ये यह मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एस टू ओ टू में था तो ये डेटा भी लिस्टेड कर रहा है कि वन वन मोल अपने पास मिल रहे हैं, जिससे अपन ऑक्सीजन का मास जो है अपने पास उसका रेशियो निकालेंगे तो इंटीजर रेशियो आ जाएगा तो ये आंसर कौन सा मैच करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नेक्स्ट है थर्टी नाइन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इले लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लॉ क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इफ थ्री एलिमेंट ए बी एंड सी रिएक्ट्स टू फॉर्म ए बी एंड ए सी कंपाउंड देन फॉर फिक्स मास ऑफ ए रेशियो ऑफ मास ऑफ बी एंड सी इन दीज कंपाउंड इज आइदर सेम और इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑफ़ मास ऑफ बी एंड सी इन द कंपाउंड बी सी पेन दे रिएक्ट डायरेक्टली तो यहाँ पर अपने पास इलेस्ट्रेशन भी दिया हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर ए बी बनाया और ए और सी ए सी बनाएं जब इन दोनों में अपन एक का मास कॉन्स्टेंट रख दें तो बी और सी का जो रेशो होगा उसे लेट से एन वन डिनोट कर दिया फिर हमारे पास बी और सी का रेशो जब कंपाउंड बी सी बनाए उसमें लेट से एन टू निकाला अब इन रेशो का अपन क्या करें डिवाइड कर दें तो या तो या इधर वन होगा या इंटीजर होगा तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन यहां पर ऑप्शन सी में देखिए कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट दिए गए तो हमारे पास देखिए कार्बन और सल्फर दोनों ने रिएक्ट किया तो हमारे पास सी एस टू बन गया कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया अब यहां पर कार्बन वन वन मोल है तो यहां पे कार्बन को कॉन्स्टेंट रख दिया अपन ने सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो अपन ने निकाला तो सल्फर इस टू ऑक्सीजन टू इस टू टू है तो हमारे पास यहां पर रेशियो क्या आ जाएगा सल्फर ऑक्सीजन का टू बाई टू विच इज इक्वल टू वन इसी तरह से अपन SO2 टू का फॉर्मेशन करते हैं उसमें हमारे पास क्या होगा कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो SO2 टू का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा वन बाई टू ठीक है तो अब अपने को क्या करना है यहां पर तो यहाँ पर अपन रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे वन दिया गया और यहाँ पर हाफ दिया गया जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा टू के बराबर हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि ऑप्शन सी रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टी कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन विच द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज रेस्पेक्टिवली तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही कार्बन का मास फिक्स्ड है केवल ऑक्सीजन का मास जो हो रहा है वो वेरी कर रहा है 16 है और 32 है यहाँ पर 16 और 32 में आप देखें तो इनका रेशियो अपन निकालें सिक्सटीन इस टू थर्टी टू वन इस टू टू इंटीजर रेशियो है दैट मीन्स ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कि हमारे पास दो एलिमेंट्स से दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं जिसमें एक का मास आप यदि कॉन्स्टेंट रखें और दूसरे के मास का रेशियो देखें तो वो इंटीजर रेशो हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फॉर रेफरेंस यू कैन रेफर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फ्रॉम हियर थैंक्स फॉर वाचिंग होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन So you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.